यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु, तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई, तू है हमारा। सब खड़े हो जाएं, प्रभु की महिमा दे, सब खड़े हो जाएं। Yeshu, tu hai jindagi.
आज के शाम महान और सामर्थी परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने हाथों को उठाओ और खुदा को धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाओ और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर का हालेलुया। उसका धन्यवाद करें, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसके दिव्य जीवन के लिए धन्यवाद करें। उसके दी हुई परिवार के लिए, दी हुई सारी खुशियों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें अपने लाइफ में उस महान परमेश्वर को जिसने हमें आनंद दिया है, जिसने हमें खुशी दी है, जिसने हमारे परिवार को दिया है, जिसने हमें जीवन दिया, उसका धन्यवाद करो। करुणा का तू सागर, महिमा का तू है राजा। बंद करें और प्रार्थना में जाएं। खुदा को धन्यवाद करें आज के संध्या के लिए। वो हमारा जिंदगी है। थैंक यू फादर।
वो हमारा जिंदगी है, प्रार्थना करो। वो हमारा प्रभु है, प्रार्थना करो। हमारा आनंद है, हमारी खुशी है, उसे प्रार्थना करो। प्रार्थना करें। खुदा ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। वो हमारी प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। दाऊद कहता है कि हे प्रार्थना के सुनने वाला प्रभु, सब प्राणी तेरे पास आएंगे। वो प्रार्थना के सुनने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और बाइबल बताते हैं याबेस ने इसराइल के परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि सचमुच परमेश्वर तो मुझे आशीष को देता, सचमुच मेरे देश को बढ़ाता, सचमुच तेरा हाथ मेरे ऊपर में बना रखता। उसने कहा कि सब प्रकार की बुराई से मुझे बचा रखता। और बाइबल बताते याबेस के परमेश्वर ने याबेस को जितनी प्रार्थना किया उसका उत्तर परमेश्वर ने उसको दिया। वो याबेस का परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। वो याबेस की प्रार्थना को सुन सकता है, उसको उत्तर दे सकता है, आपको और मुझे उत्तर देता है। वो आपको और मुझे उत्तर देगा। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे वो आप उससे आशीष पाएंगे, उससे उत्तर पाएंगे आपकी प्रार्थना का। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। उसने कहा मांगोगे तो पाओगे, उसने कहा ढूंढोगे तो मिलेगा, उसने कहा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उनके लिए खोला जाता है। यदि आप अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर आपको देगा। थैंक यू फादर। निर्बल का तो बल है, संकट में तो सहारा। जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने होठों को खोलें और परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करें। जीवित परमेश्वर जो हमारे मध्य में चलता और फिरता है उसको धन्यवाद करें। हमारे बीच उसका डेरा है, उसका धन्यवाद करें। उस स्वर्ग है, उसका सिंहासन पृथ्वी उसके पांवों की चौकी है, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। वो हमारे मनोरथ को पूरा करता है। उसका धन्यवाद करो कि वो हमारे जीवितों के बीच में पाया जाता है। उसका धन्यवाद करो कि वो भला है। उसका धन्यवाद करो कि वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। उसका धन्यवाद करो कि वो महान सामर्थ्य है। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु।
धन्यवाद महान परमेश्वर, धन्यवाद मेरे खुदावन, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे खुदावंद। आज तेरे कलाम से प्रभु हमसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, आज तेरे कलाम प्रभु मेरे जिंदगी के लिए होने के लिए जा रहा हूँ, आज तेरे कलाम से मैं आशीष पाने के लिए जा रहा हूँ। सब लोग बोलो कि परमेश्वर तेरे कलाम आज मेरे लिए है, तेरा जीवित वचन मेरे जिंदगी के लिए है प्रभु, तेरा जीवित वचन आज मुझे एक नई आशीष को देने वाला है परमेश्वर, तेरे जीवित कलाम से मैं आशीष होने के लिए जा रहा हूँ, तेरे जीवित कलाम से मैं ब्लेस होने के लिए जा रहा हूँ, तेरे जीवित कलाम मेरे जिंदगी को नया करने के लिए जा रहा है, तेरे जीवित कलाम मुझे उद्धार देने के लिए जा रहा है, तेरा जीवित कलाम मेरे जिंदगी को आशीष करने के लिए जा रहा है। थैंक यू फादर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी महिमा हम आपको देते हैं। हम जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, बोलो आमीन, आमीन। आइए फिर से ताली बजाएंगे यीशु के लिए, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और इस घड़ी हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, आमीन। जीसस, जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। एक वचन निकालो मेरे साथ, लूका के पुस्तक 19 अध्याय, हाँ पहला पद से पढ़ेंगे हम लोग, 19 अध्याय पहला वचन। लूका के पुस्तक 19 अध्याय पहला वचन से पढ़ते जाएंगे हम लोग। अपनी बाइबल खोलो सब लोग, अपनी बाइबल दिखाओ, कितने लोग बाइबल लेकर आए हैं, अपने बाइबल से देखो। लूका के पुस्तक 19 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे, हाँ माइक से पढ़ो बेटा। हालेलुया। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, हाँ हाँ, जहां जक्कई नामक एक मनुष्य था। हाँ, क्या लिखा? वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, वहां जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो बाइबिल बताती है वो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, और बाइबिल बताती है वो कैसा था? धनी था, वो धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। हाँ हाँ, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, कि वो कौन सा है। हालेलुया। यीशु को सुना जरूर था लेकिन यीशु से मुलाकात नहीं हुआ था बेटा। हालेलुया। परंतु हाँ एक मिनट बेटा, बाइबिल बताती है यीशु के बारे में जक्कई सुना जरूर था लेकिन यीशु से मिला नहीं था। हालेलुया। वो यीशु से मिलना चाहता था, यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है, कैसा है वो। हालेलुया। लेकिन बाइबिल बताती है यरीहो में यीशु मसीह आया, वहीं पर जक्कई पहुंच गया, लेकिन बाइबिल बताती है जक्कई उसका हाइट छोटा था, वो डांटा था, इसलिए करके यीशु को भीड़ के कारण नहीं देख पाया। हाँ क्या लिखा? परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। और बाइबिल बताता है जक्कई के बारे में कि वो भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं पाया, क्योंकि वह नाटा था। तब यीशु को देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और बाइबिल बताते यीशु को देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। क्योंकि बाइबिल बताते यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा, और बाइबिल बताती जब यीशु मसीह उस जगह में पहुंचा, इसका साउंड एकदम पतला है, थोड़ा सा मोटा का वॉल्यूम देना। हे जक्कई झट उतारा। हाँ हाँ ठीक है। क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। हालेलुया। बाइबिल बताती है यीशु मसीह को जक्कई देखना चाहता था बेटा, लेकिन जक्कई यीशु मसीह को कभी मुलाकात नहीं किया था। हालेलुया। सुनो, ध्यान से सुनो। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में जक्कई सुना जरूर था लेकिन कभी फेस टू फेस कभी उससे मुलाकात
नहीं हुआ था। सुनो जवान लोग, सुनो ध्यान से, हालेलुया। यीशु मसीह को पाने के बाद जकै के जीवन क्या और कैसे हुआ आज हम सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। बहुत से लोग यीशु के बारे में सुने लेकिन यीशु से कभी मुलाकात, उसकी प्रार्थना में, उसकी आराधना में कभी शामिल नहीं हुए, बोलो आमीन, हालेलुया। बाइबिल बताती कि यीशु मसीह उसी मार्ग पर आने वाला था, हालेलुया। थोड़ा और घुमा बेटा, थोड़ा सा और घुमा। और यीशु मसीह उसी मार्ग से आया और बाइबिल बताती है कि जहां पर जकई चढ़ा हुआ था पेड़ पर, यीशु मसीह उसकी ओर दृष्टि करके बोलता कि जकई झट उतरा, आज मुझे तेरे घर आना अवश्य, हालेलुया। बाइबिल बताती है जकई बड़ा भावुक हो गया, हालेलुया, बड़े दिक्कत में फंस गया। यार जकई बोलता है कि यीशु मसीह मेरे नाम को कैसे जानता है, मैंने तो यीशु से कभी मुलाकात नहीं किया। बोलो यीशु मसीह की, बड़ी सोच में पड़ गया जकई, मैं यीशु से खुद मिलने के लिए आया था लेकिन यीशु तो मेरा नाम भी जानता है। क्या बोलता है, यीशु मसीह मेरा नाम जानता है, यीशु मसीह हमारा नाम नहीं हमारे जीवन कुंडली जानता है। आपको मालूम है कि नहीं, यीशु मसीह हमारा प्रभु है, हालेलुया। हम अपना नाम अपना परिचय उसको बताएं या ना बताएं लेकिन यीशु मसीह को हमारे जीवन की कुंडली मालूम है, हालेलुया। हमारा नाम, हमारा पता, हमारा एड्रेस, हमारा बाप, हमारे काम, हमारे कर्म सबको मालूम है यीशु मसीह को, हालेलुया। जब बाइबिल बताती है जब यीशु मसीह ने जकई का नाम लिया उतने में वो बड़े झटपट पेड़ से उतर आया और बाइबिल बताती है यीशु मसीह को अपने घर ले गया, हालेलुया। इतने में लोग देखे क्या कहने लगे, जकई को मालूम है यीशु मसीह को, वो तो पापी के घर जा रहा है, जकई तो पापी है, क्या लिखा है, हाँ पढ़ेंगे, सातों पद पढ़ो। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य की यहाँ जा उतरा है। अरे भैया देखो यीशु को भी, हाँ वो तो पापी के घर चला गया, वो पाप से भरा है, लोगों को लूटता है, ठगता है, वो लोगों को ठगने वाला इंसान, लूटने वाला इंसान, पाप से भरा है, ऐसे इंसान के घर यीशु को नहीं जाना चाहिए और यीशु मसीह उसी के घर चला गया बोलता है, हालेलुया। बाइबिल तो बताती है यीशु मसीह धर्मी के लिए नहीं परंतु पापी के लिए आया, हालेलुया। यीशु मसीह किसके लिए आया बेटा, पापियों के लिए। और पौलुस कहता है कि दुनिया के सबसे बड़ा पापी तो बोलते कि मैं हूं, हालेलुया। और यीशु मसीह यीशु मसीह को बड़े उत्साह से जकई अपने घर ले गया और यीशु मसीह जब उसके घर गया ना, जकई बड़े आनंद के साथ बोलते कि मेरे सोफा में बैठो प्रभु, उसने अपने सोफा में बिठाया, अपने घर ले गया, अंदर ले गया, बोलते कि प्रभु मैं आज अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करता हूँ, हालेलुया। यीशु ने जब उसके नाम बताया ना, उसने जीवन के सारे कुंडली बता दिया उसके पास में, हालेलुया। उसने फिर और कुछ नहीं छिपाया जकई ने, हाँ उसने अपने जीवन में और कुछ छिपाया नहीं, यीशु मसीह ने केवल उसके नाम लिया था और कुछ नहीं बोला था, ए जकई झट उतर आ मुझे तेरे घर जाना है। पढ़ेंगे बेटा, हाँ आगे पढ़ो। तब यीशु ने उससे कहा, हाँ हाँ आज इस घर में उद्धार आया है। नहीं 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 नहीं, आप नीचे चले गए हो। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और क्या बोलता है यीशु मसीह को, हे प्रभु देख मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ
और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो बोलता है उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसने अपने जीवन में प्रभु को पा लिया। हालेलुया, उसने स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यही हमारा उद्धार करने वाला, यही हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, यही हमारा जीवन के मुक्तिदाता है। हालेलुया, यीशु मसीह उसके नाम लेकर केवल बुलाया और केवल उसके नाम ने उसके जीवन के सारे कुंडली खोल दी। यीशु के पास में अपने सारे गलतियों को स्वीकार करता है, बोलता है कि प्रभु मैंने किसी का अन्याय करके ले लिए तो मैं उसे चौगुना फेर देता हूं, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं कि आज मुझे माफ कर दे। हालेलुया, बोलते कि प्रभु आज मैं अपने सारा जीवन में तुझे देना चाहता हूँ, मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया उसको मैं लौटाना चाहता हूँ। हालेलुया, ईश्वर को पाना ही जिंदगी है। हालेलुया, प्रभु को पाना ही क्या है बेटा, जिंदगी है। हालेलुया, उसने सारे सारी जिंदगी उसने सब कुछ कमाया लेकिन प्रभु नहीं था उसके जीवन में। हाँ, उसके जीवन में प्रभु सारे कुछ था, सारे खुशियाँ थी, सारी आनंद थे उसके घर में। जकई के घर आलीशान घर था, जकई का परिवार बहुत अच्छा परिवार था, जकई के बच्चे सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके घर में उद्धार नहीं था, शांति नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह नहीं, वहाँ पर कोई उद्धार नहीं होता, नहीं शांति होता है बेटा। हालेलुया, चाहे दुनिया की हर दौलत रहे, हर आलीशान खुशी रहे, आलीशान सब कुछ रहे, लेकिन यदि यीशु मसीह जिस घर में नहीं है तो उस घर में शांति नहीं है। यीशु मसीह नहीं है तो उद्धार नहीं है, यीशु मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बाइबल बताती है जब यीशु मसीह जकई के घर गया ना, उसने अपने जीवन में कबूल कर लिया कि यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है। हालेलुया, फिर प्रभु ने कहा कि आज इस घर में, हाँ पढ़ेंगे आगे। तब यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। बोलो हालेलुया, एक बार ताली बजाएंगे जोरदार। जिस जीवन में यीशु मसीह आता है उस जीवन में उद्धार हो जाती है। बोलो आमीन। जिस घर में प्रभु आता है उस घर की कल्याण हो जाती है। बोलो आमीन। जिस घर में प्रभु आ जाते हैं, जिस जीवन में प्रभु आ जाता है उसका बीड़ा पार हो जाता है। बोलो आमीन। हालेलुया, सारे बंधने टूट जाती है, जुआएं उखड़ जाती है, बीमारियां भाग जाता है। हालेलुया, क्योंकि जीवन में यीशु मसीह उद्धार और शांति है। बाइबल बताती है वो पाप से भरा था, जब जब कई यीशु मसीह को अपने घर ले गए तो लोग उसके बारे में बोलने लगे, ये तो पापी के घर जा रहा, ये पापी है, इसने पाप किया है। बोलता है कि इसने अपने जीवन में बहुत से लोगों को लूटा और ठगा है, लेकिन प्रभु को भी मालूम नहीं कि ये पापी है, इसके घर जा रही है। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह धर्मी के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए आया है। संभोपदेश के पुस्तक 7:20 में लिखा है, पढ़ो क्या लिखा, संभोपदेश के पुस्तक 7:20। करुणा का तू सागर, महिमा का है तू राजा। हाँ पढ़ेंगे। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं है। हाँ, निसंदेह धरती पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो, और जिससे पाप ना हुआ हो। संभोपदेशक के पुस्तक आपको मिलेगा नित्य वचन के बाद में, संभोपदेशक के पुस्तक भजन संहिता नीति वचन, संभोपदेशक के पुस्तक, यह हो सकता है कि श्रेष्ठ गीत के पुस्तक आजू बाजू होंगे। आपको 7:20 में वचन मिलेगा, निसंदेह धरती पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं हो जिसके द्वारा पाप ना हुआ हो। जो धरती में केवल भलाई ही करे, ऐसा है कोई धरती में? और यसे आप बोलता है कि हम तो सबके सब अशुद्ध होंठ वाले, बोलते कि मनुष्य हैं और हम तो अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहते हैं। हालेलुया,
हमने मुंह से गलत निकालते हैं वो अशुद्ध करता है, वो पाप कर देता है इंसान को। इसलिए कर यसा नबी बोलता है कि हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य हैं। 56 नदियां निकालो यसया, इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं, निसंदेह धरती पर ऐसा कोई धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हुआ हो, जो भलाई ही करे और जिससे पाप ना हो। यसया 64 के 6वां वचन में लिखा है, पढ़ेंगे वहां पर। हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? हाँ, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? कैसे हैं? और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान है। और हमारे धर्म के काम सबके सब क्या है बेटा? मैले चिथड़ों, मैले चिथड़े के समान। मैले चिथड़ा कैसे होता है मालूम है? अब देखिए, जो प्लांट से काम करके आते हैं मैले चिथड़े, यहाँ शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं अच्छे पहन कर, लेकिन सुबह शाम को आते हैं पूरे मैले चिथड़े हो जाते हैं। उसमें ग्रीस लग जाती है, उसमें आयल लग जाती है, पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, पूरे शरीर ऐसा दाग धब्बा हो जाता है, पूरे मैले चिथड़ा। हमारा धर्म के काम भी ऐसे मैले चिथड़े के समान है। हालेलुया। इंसान चाहे जैसे भी धर्म के काम करे, परमेश्वर के सामने क्या है बेटा? मैला चिथड़े के समान है। बाइबिल बताते हैं यीशु मसीह को जब कई मुलाकात किया तभी से उसका जीवन बदला। आमीन। जब तक यीशु मसीह को मुलाकात नहीं किया था तब तक उसका जीवन पापों से भरा था, गुनाहों से भरा था, अपराधों से भरा था। लेकिन जिस दिन से यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो गई, उसने उसका जीवन ही बदल दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया उसका जीवन बदल गया। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह के आने के बाद जीवन बदल जाती है। आमीन। और यदि यीशु मसीह को जानने के बाद यदि जीवन नहीं बदलता तो आप कितने भयानक अभागा मनुष्य हैं। हालेलुया। यदि यीशु मसीह के पास आने के बाद भी आप नहीं बदल रहे, यीशु मसीह के पाने के बाद भी आप यीशु मसीह के आप स्वभाव में नहीं आ रहे, आपका जीवन नहीं बदल रहा, तो कितनी अभागा मनुष्य हैं आप। हालेलुया। लेकिन बाइबल तो बताती है जिस व्यक्ति ने विश्वास को किया वो तो परमेश्वर का बेटा बन गया, वो परमेश्वर का बेटा बन गया। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार पाया, अर्थात वे जो उसके नाम पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। हाँ बेटा, जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किया, जितने लोग प्रभु को अपना प्रभु मान लिया, जितने लोग पाप से मन फिरा लिया, जितने लोग अपना जीवन ईश्वर को दे दिया, वो ईश्वर का बेटा बन गया, ईश्वर की बेटी बन गई। बोलो आमीन। हालेलुया। और जब कई पाप से जरूर भरा था, संसार के दृष्टि में संसार के लोगों के सामने बिल्कुल गलत था वो, 1% उसको लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन बाइबिल बताती है यीशु मसीह ने खुद उनको एक फैसला बता दिया कि ये भी आज के बाद ये परमेश्वर का बेटा है, ये भी अब्राहम का क्या है? संतान है। बोलो आमीन। हालेलुया। जिस दिन यीशु को जीवन देते हैं बेटा, उस दिन हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, उसके पुत्र बन जाते हैं, उसके पुत्रियां बन जाते हैं, उसके वारिस बन जाते हैं, उसके सगे खून के रिश्ता बन जाते हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल बताती है हम तो सबके सब अशुद्ध होट वाले मनुष्य हैं, और हमारे धर्म के काम कैसा है बेटा? मैले चिथड़ों के समान है। चाहे जितना भी धर्म के काम करो, यीशु को अपना प्रभु नहीं मान रहे हो, तो तुम्हारा जितने भी धर्म के काम क्या है? मैला चिथड़ा है। हालेलुया।
जितने भी आप पुण्य के काम करो, जितने भी दान पुण्य करो, जितने भी जो कुछ करो, लेकिन यदि यीशु नहीं है तुम्हारे जीवन में, यदि यीशु नहीं आया तुम्हारे हार्ट के अंदर, यदि आपने पाप से मन नहीं फिराया, तो जितने भी आप धर्म के काम करो सब बेकार है। हालेलुया। मैं नहीं, मेरा खुदा के कलाम कहता है, हम सब के सब तो अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के समान है, और हमारा धर्म के काम कैसा है? हाँ, फिर से पढ़ेंगे यशया 64:6। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। और हमारे धर्म के काम सब के सब क्या है? मैलों चिथड़ों के समान है। और क्या लिखा नीचे में? हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। और बाइबिल बताती है बेटा, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के कामों ने हमसे आयु में के समान क्या कर देता है? उड़ा दिया, उड़ा देता है। हालेलुया। इंसान जब तक अपनी जिंदगी को खुदा को नहीं पाता, तब तक इस धरती में चाहे जितना भी धर्म के काम करे सब बेकार है बेटा। लेकिन यीशु के आने के बाद इंसान की छोटी सी धार्मिकता बड़ी आशीष में बदल जाती है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? परमेश्वर के फॉलोअर है। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती है यीशु मसीह जक्कई के घर गया और जक्कई का जीवन ही बदल गया। आमीन। हाँ, वहां पर जाएंगे। लूका के पुस्तक 19 दिया है, 8वां पद पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, तो उसे चौगुना फेर देता हूँ, फेर देता हूँ। हालेलुया। जक्कई ने क्या किया? प्रभु के सामने अपने आप को उसने प्रभु के सामने दिया, प्रभु के सामने झुका दिया। उसने अपनी सारी गलती को क्या कर लिया? उसने कबूल कर लिया। कि मैंने अपने लाइफ में ऐसा किया है, मैंने ऐसा लूटा है, ऐसा ठगा है, ऐसा लोगों के साथ मैंने व्यवहार रखा है। यीशु के पास में वो आकर के अपने आप को समर्पित करते हैं, बोलते कि मेरा जीवन ऐसा है प्रभु, मेरे जीवन ऐसा है, लेकिन आज मैं सब कुछ तेरे चरणों में रखता हूँ, सब कुछ मैं तुझे समर्पित होता हूँ। बोलो हालेलुया। और जक्कई ने क्या किया? अपने आप को प्रभु के सामने दे दिया, प्रभु के सामने झुका दिया। हालेलुया। फिर उसने और कोई पाप नहीं किया, फिर उसने पुराने जीवन में नहीं गया, फिर वो परमेश्वर के वारिस बन गया। हालेलुया। फिर वो परमेश्वर के बेटा बन गया। हालेलुया। एक बार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। अब जितने परमेश्वर का जीवन दिए वो परमेश्वर के वारिस हैं। यूहन्ना 1:12 पद पढ़ो, जितनों ने प्रभु को जीवन दिया, जितनों ने ग्रहण किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं। हालेलुया। जितने लोग प्रभु को ग्रहण किए उन्हें परमेश्वर का संतान होने का क्या पाया? अधिकार पाया। हालेलुया। मुझे ऑनलाइन देखेंगे उसको भी मैं बोल रहा हूँ, जितनों ने यीशु को जीवन दिया वो परमेश्वर के संतान है। यदि आप यीशु को जीवन दे दिए आप परमेश्वर के संतान है। यदि आप यीशु को अपना प्रभु मान लियो आप प्रभु के संतान है। मैं आपसे बातें करता हूँ। ऑनलाइन चर्च, प्रभु आपको ब्लेस करे। आमीन। हालेलुया। जितने लोग यीशु को जीवन दिए बाइबिल बताती है वो परमेश्वर के संतान है।
परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के घराने हैं वो लोग। हालेलुया। आप जितने चर्च बैठते हैं, जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं बेटा, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के परिवार में से हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की खास प्रजा हैं। पहला पत्रस के पुस्तक में निकालो, पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम चुना हुआ वंश और राज्य पदाधिकारी याचकों के समाज, और बोलता है तुम पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, बोलता है। हाँ हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज, राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग, और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो, और परमेश्वर के निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। किसके गुण? जिसने हमको अंधेरा से ज्योति में लाया, उसके गुण को क्या करना है? धरती पर प्रकट करना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। गधे के बच्चे क्या होते हैं? गधे होते हैं, होते कि नहीं? हाँ, गधे के बच्चे, घोड़े के बच्चे घोड़े होते हैं, कुत्ते के बच्चे, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हमको उसके स्वभाव में आना है यीशु मसीह के नाम में। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। हालेलुया। जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को पाया उसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत आती है, पास्टर जी जब से हमारे बच्चे चर्च गए तब से और ज्यादा बिगड़ गए, पता नहीं क्या सिखाते हैं आप, पता नहीं हमारी बेटियां तो एक भी नहीं सुनती हमारी, जब से चर्च गए चर्चे 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 पादरी पादरी कहता रहता है। हालेलुया। लेकिन घर में एक भी नहीं सुनता, एक भी नहीं सुनती, पता नहीं क्या क्या सिखाते हो पादरी जी। ऐसा नहीं बेटा, यीशु मसीह को पाने के बाद में जीवन बदलना चाहिए। बाइबल में लिखे तो अपनी माता और पिता का आदर कर, ये खुदा का व्यवस्था में से एक व्यवस्था है। आमीन। खुदा की बातों में से एक बात है कि तू तो अपने माता और पिता का आदर करना। लेकिन बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता की आदर नहीं करते हैं। हालेलुया। यीशु को जरूर जीवन दे देते हैं, जल में डूब के बपतिस्मा लेते हैं, मन फिरा लेते हैं, लेकिन माता पिता की नहीं सुनते। हालेलुया। आशीष कैसे रहेगी जी? नहीं, आशीष तो उसमें है जब आप अपने माता पिता को फॉलो करेंगे, अपने माता पिता को मानेंगे, सुनेंगे। हालेलुया। यदि आप अपने माता पिता के सुनते हैं, आशीष आपकी है। आमीन। हालेलुया। शिकायत नहीं आना चाहिए कि पादरी के पास में कि हमारे बच्चे चर्च जाते हैं। चलो मानते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते, हमारे बच्चे विश्वास करते हैं, हम मना भी नहीं करते हैं चर्च जाने के लिए पादरी साहब, लेकिन चर्च जाते हैं अच्छी बात है, कुछ जीवन चेंज हुआ, लेकिन कुछ का कुछ ऐसी पड़ी के पड़ी है, सुनती नहीं है, सुनता नहीं है। हालेलुया। ऐसे शिकायत नहीं आना चाहिए, यीशु मसीह को पाने के बाद जीवन बदलना चाहिए। आमीन। मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। हालेलुया। किसको भाना चाहिए? हमारा उठना बैठना चलना यीशु मसीह को। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। आपके जीवन से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, आपके कामों से प्रभु को महिमा मिलनी चाहिए, आपके नेचर से परमेश्वर खुश होना चाहिए। हालेलुया। आप अपने माँ बाप को खुश नहीं कर सकते, परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? बोलो यीशु मसीह की। आपको पहले अपने माँ बाप को खुश रखना है। आप अपने माँ बाप की बात मानते हैं, परमेश्वर की बात मानते हैं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बोलो यीशु मसीह की। आप चर्च में पादरी की आज्ञा मानते हैं या परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? प्रभु ने कहा जो तुझे ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, उसने कहा जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। आमीन। हालेलुया। आपको आपको आज्ञाकारी होना है यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह को जक्कई मिला और जक्कई का जीवन ही क्या हो गया बेटा? बदल गया। जक्कई फिर पाप में नहीं रहा, फिर अपने बुरे कामों में नहीं पड़ा रहा, फिर अपने शरीर की बातों में नहीं फंसा रहा, फिर अपने अभिलाषा में डूबा नहीं रहा,
हो सकता है कि जक्कई केवल लूटने और ठगने वाला इंसान था, वो चुंगी लेने वाला सरदार था, लेकिन उसके जीवन में हो सकता कि वो एक ही नहीं हजार पाप भरा रहा होगा। हालेलुया। केवल ठगने का ही काम नहीं, केवल लूटने ही काम नहीं, परंतु वो और भी बातों में पड़ा और फंसा रहा होगा। इंसान छोटे से पाप करके बड़े पाप करते हैं। हालेलुया। इंसान छोटे से स्टार्ट करते हैं, छोटे से स्टार्ट करते हैं और बड़े काम करते हैं इस दुनिया में। हालेलुया। इस बात को समझ रहे बेटा, जक्कई का जीवन केवल वो लूटने वाला ठगने वाला इंसान ही नहीं था, परंतु वो बहुत सारे पापों से लदा और भरा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह को पाने के बाद उसका जीवन बदल गया बेटा, उसका लाइफ बदल गया। यीशु मसीह ने उसके लाइफ को चेंज कर दिया। हालेलुया। हमारे लाइफ चेंज होने चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए यीशु मसीह को पाने के बाद। हमारी हिस्ट्री बदलना चाहिए जीवन का। आपके घर वालों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि मेरा बेटा का जीवन सचमुच बदल गया है, मेरे बेटे का जीवन सचमुच बदल गया, मेरी बेटियां सचमुच अच्छी। पहले आती थी स्कूल से मुंह फुलाती थी, लेकिन नहीं, अब तो आती बड़ी प्यार से बात करती है। पहले आते बड़े प्यार से बात करते हैं। आपके घर वालों को आपके बारे में मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आप बदलेंगे आपके घर बदलेगा, आप चेंज होंगे आपके घर के लोग चेंज होंगे, आप चेंज नहीं होंगे आपके भाई बहन भी चेंज नहीं होंगे, लेकिन आप चेंज होंगे आपके भाई बहन भी चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे बहनों के नेचर, बहुत सारे भाइयों के नेचर ऐसे कि क्रोध क्रोध में बात करते हैं। हमेशा जब भाई बहन बात करते हैं ना, तो बड़े क्रोध से बात, आई तू जाना रे, तू जाना, ऐसा कर दे, वैसा कर ले। ये स्वभाव है, इस स्वभाव को बदलना चाहिए। आप नहीं बदलोगे आपके भाई कभी नहीं बदलेगा, आप नहीं बदलोगे आपके बहन कभी नहीं बदलेगा, आप नहीं बदलोगे आपके मम्मी पापा नहीं बदलेगा। हालेलुया। आप बदलो फिर बदलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को पाकर जक्कई का जीवन बदल गया बेटा। फिर जक्कई वो पाप में नहीं रहा, फिर वो गुनाहों में नहीं रहा, फिर वो अधर्मों में नहीं रहा, फिर उसने बुरे चीज़ों की इच्छा नहीं किया, फिर उसने बुरी चीज़ों के साथ में चला फिरा नहीं, उसने उठा बैठा नहीं, सब कुछ खत्म कर दिया अपने लाइफ में। हालेलुया। सब कुछ खत्म होना चाहिए यीशु मसीह को पाने के बाद। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया। किसी के जात और धर्म नहीं, यीशु मसीह क्या बदलता है बेटा, जीवन बदलता है। यदि यीशु मसीह को पाने के बाद जीवन नहीं बदल रहा तो बहुत दुख की बात है, बहुत कष्टदायक बात है, बहुत पीड़ादायक बात है बेटा। बोलो यीशु मसीह की, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। थोड़ी देर अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू फादर। याबेस ने क्या प्रार्थना किया कि सचमुच परमेश्वर तू मुझे आशीष देता, सचमुच मेरे देश बढ़ाता, सचमुच तेरे हाथ मेरे ऊपर रहता और मुझे बुराई से बचा रखता। बेटा यदि आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जब ऐसी इच्छा करने इच्छा में परमेश्वर से बोलने वाले लोग हैं, तो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, तुम्हारे द्वारा बहुत सारे रूहों को बचाना चाहते हैं, तुम्हारे द्वारा हजारों को छुड़ाना चाहते हैं। यदि आप परमेश्वर की आत्मा में मिले लोग हैं, उसकी आत्मा के साथ आपकी आत्मा मिलती है,
तो परमेश्वर जिसकी आत्मा को छूता है उसके द्वारा रिवाइवल लाता है, उसके द्वारा परमेश्वर बड़े काम करता है। बेटा बाइबल में बड़े बड़े लोग गवाह के कारण है हमारे पास। पतरस को छुआ, पतरस के द्वारा हजार लोग हील हो गए। यूहन्ना को छुआ, हजार लोग हील हो गए। याकूब को छुआ, हजार लोग हील हो गए। हजार क्या लाखों और करबों में है। इस धरती में जितने जितने बड़े बड़े दासों और नबियों को परमेश्वर ने छुआ और पूरे देश बदले, पूरे राष्ट्र बदला। बेटा यदि आप चाहते कि परमेश्वर मुझे छुए, आपके द्वारा बदलेगा, आप इतिहास रचेंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने कलाम में लिखा, इस धरती में आप सब कुछ प्राप्त करो, यदि आपके प्राण अंतिम में ना बचाया जाए, अधोलोक में चले जाए, तो उससे कोई फायदा नहीं। इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले, यदि अपने प्राण की हानि उठाए, तो उससे कोई फायदा नहीं है। बेटा ईश्वर को पाना और ईश्वर के लिए काम करना, ईश्वर की आत्मा को जितना ही जिंदगी है, वही संपत्ति है, वही आपका प्रॉपर्टी है, वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। ऐसा बनो ताकि परमेश्वर की काम कर सको यीशु मसीह के नाम में। ऐसा बनो कि रूह बचे आपके द्वारा। ऐसा तैयार हो कि परमेश्वर उन आत्माओं को बचाए जो धरती पर नाश हो रहा। ऐसे तैयार हो जाओ कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे घराना बचने पाए, तुम्हारे घराना खींचा चलाए यीशु मसीह के। ऐसे तैयार हो अपने आत्मा में। आपका जीवन मूंगों से भी कीमती है। और इसी में यीशु ने कहा, तो मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुमसे प्रेम करता हूं। आप अनमोल है बेटा, अनमोल है, जिसकी कोई मोल नहीं। और मेरा प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। जब आप खड़े होते हो प्रभु के लिए, प्रभु तुम्हारे द्वारा हजारों को खड़ा करता है। हजारों आत्माएं तुम्हारे द्वारे खड़े होती है, हजारों लोग तैयार होते हैं, हजारों लोग मन फिराते हैं। बेटा मुझे याद है 2002, 2003, 2004 पाप से भरा जिंदगी था मेरा, गुनाहों से भरा जिंदगी था। मुझे मालूम है कि 2002 और 2003 भयानक स्थिति था मेरी, लेकिन परमेश्वर की कृपा मुझ पर हुआ। 2004 में प्रभु ने मेरे जीवन को बदल दिया। 2004 मेरे लिए जीवन की एक नई जिंदगी थी और मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे छुआ, जिसने मुझे खड़ा किया, जिसने मेरे सारे गुनाहों को क्षमा किया, जिसने मेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया। मैं उस दिन को याद करता हूं कि 2002-2003 कैसा था मेरी लाइफ में, कैसी दशा थी मेरी, कैसा परिस्थितियां था मेरा, कैसी हालात थी, कैसा जिंदगी था मेरा। लेकिन उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद जिसने मुझे छुआ, जिसने सब कुछ बदल दिया, जिसने सब कुछ बदल दिया। वो सब कुछ बदलना चाहता है, वो आपको खड़ा करना चाहता है। 2004 के बाद ना जाने कितनी आत्माओं तक लेकर गया, कितनी आत्माओं तक इस आत्मा ने गया जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बेटा यदि आज अपने जीवन में यीशु को ले लेते हो, तो आज की तारीख आपके लिए बड़े गवाह के कारण होगा, आज की तारीख आपके लिए बड़े ब्लेसिंग का कारण होगा।
ये आपका टाइम आने वाला पल में गवाह के कारण होगा, जिस प्रकार आज प्रभु के दास आपके बीच गवाह के कारण है। और वो करने के लिए जा रहा है। यदि आप तैयार हैं तो करने के लिए जा रहा है, आप तैयार हैं तो वो आपको भरने के लिए जा रहा है। आप पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह बनेंगे, पृथ्वी के छोर तक होंगे। जिस व्यक्ति ने यीशु को पाया उसका जीवन बदल गया है, उसका जीवन बदल गया है। जिस व्यक्ति ने विश्वास को किया वो तो स्वर्गीय वारिस बन गया, वो तो स्वर्गीय वारिस बन गया। यदि आप स्वर्गीय पिता के वारिस हैं तो आप लाखों को छुएंगे यीशु के नाम में, लाखों छुए जाएंगे यीशु के नाम में, हजारों छुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, हजार खड़े होंगे, हजार दस हजार हो जाएगा, सबसे दुर्बल जाति एक सामर्थ्य जाति बन जाएगी। अरे मैं तो यहोवा हूं, और बोलते कि मैं ठीक समय पर यह काम करूंगा, परमेश्वर काम करेगा आपके जिंदगी के द्वारा, हजारों को खड़ा करेगा, हजारों आपके द्वारा बचाए जाएंगे, हजारों आपके द्वारा बचाए जाएंगे, ताकि आत्मा छुड़ाए जाएंगे। होली स्पिरिट आपके ऊपर में उतरे के काम करेगा। परमेश्वर की आत्मा आपको भरपूर करने वाला है, भरपूर करने वाला यीशु मसीह। करुणा का तू सागर महिमा का, तू है राजा शांति हमें देता सब कुछ, तू हमारा खून से हमको मिली भुक्ति मसीहा महान, यीशु तो है जिंदगी, तो है तू हमारा खुदा यीशु। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए थोड़ी देर, अपने प्रभु को तैयार हो, अपने प्रभु को पाने के लिए अपने प्रभु को पाओ। जब अपने प्रभु को पाओगे बेटा, दुनिया में हजारों के लिए आंसेस के कारण होंगे, लाखों के लिए खड़े होंगे आप। बाइबल बताती है जब बीज, एक बीज जब खेती में पड़ता है, जब वो मर जाता है, जब मर कर जब वो अंकुर आती है तो वो पेड़ खड़ा होता है, वो पेड़ हजारों फलों को लेकर आता है, हजारों बीज उत्पन्न होती है। वो बीज आप हो, वो बीज आप हो। जब इस संसार के लिए मर जाओगे बेटा, उस बीज के समान जब जब खेती पर डाला जाता है वो मर जाता है, पहले आपको मालूम है वो सड़ जाता है, मर जाता है, फिर वो अंकुर निकलता है। जब तक कोई ना मरे कैसे जिएंगे, जब तक मरेंगे नहीं कैसे नहीं है जीवन होगा। यीशु भी हमारे लिए मर गया और मरकर जी उठा और आज जिंदा है, इसलिए कर एक नया जीवन हमारा है, एक नई छुटकारा हमारा है। जब हम इस धरती में मर जाते हैं पाप के लिए, परमेश्वर अपनी धार्मिकता के लिए हमको नया करता है। अपनी आंखों को बंद करो और प्रार्थना प्रारंभ करो। थैंक यू फादर।
Jesus, hallelujah. Jesus. Yes, my Father. Prarthana karein. Jesus. खोल के प्रार्थना करना प्रारंभ करें। अब प्रार्थना करें आज की रात जैसा आप उस खुदा के लिए तैयार होना चाहते वैसा आज की रात तैयार करना चाहता है, जैसा आप तैयार होना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं आज वो खुदा ऐसा ही बनाने के लिए जा रहा है, वैसे ही आपके साथ वो करने के लिए जा रहा है। वो मुंह का फल का सृजनहार है, वो आपके मुख से आवाज सुनना चाहता है। उसने कहा मैं तो मुंह का फल का सृजनहार यहोवा हूं। यदि आप चाह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे बनाओ, मुझे तैयार कर इस देश के लिए, मुझे तैयार कर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, मुझे तैयार कर मेरे नगर के लिए, मुझे मेरे तैयार कर मेरे गांव के लिए, मुझे तैयार कर मेरे कलीसिया के लिए, मुझे तैयार कर मेरे लिए प्रभु, अपने आप के लिए तैयार हो। मेरा परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए जा रहा है, वो तैयार करने के लिए जा रहा है, वो तैयार करने के लिए जा रहा हूं, वो तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो तैयार करने के लिए जा रहा बेटा। रात से अपने आप को तैयार देखोगे, अपने आप को तैयार देखोगे प्रभु में, अपने आप को तैयार देखोगे। वो ऐसा करने के लिए जा रहा, ऐसा होने के लिए जा रहा बेटा, ऐसा करना चाहता है वो, करने के लिए जा रहा। हम एक छोटा सा वर्षीय भाई अवतार के साथ करेंगे और हम आपके लिए आज प्रार्थना करेंगे। अब जितने आत्मा में तैयार हैं आप अपने प्रभु की उपस्थिति में बने रहो, जितने लोग तैयार हैं अपने अपने प्रभु के साथ अपने उपस्थिति को बना रखो, अपने मसा में बने रहो, अपने अभिषेक में बने रहो। धन्यवाद यीशु। एक समर्पण गीत गाएंगे। तुझको पसंद मैं तेरे दिल को भाऊ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। बोलो 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 सब बोलो। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, ऐसा मुझको बना, ऐसा
सा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, पुकारे सब को बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। Yes, my Lord. Thank you, Father. Jesus, आपकी स्तुति हो। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यदि आप मेरे साथ घुटने में आ सकते हैं, अपने प्रभु को घुटने में आओ और इस गीतों को गाओ। मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आओ, तेरे दिल को समर्पित हो इस गीतों को गाकर, ऐसा मुझको बना, हर एक जवान मुझको समर्पित हो, प्रभु के काम आपके ऊपर में प्रकट होने वाला है, प्रभु का मसा बढ़ने वाला है, अभिषेक ठहरने वाला है बेटा, ऐसा मुझको बना, आप हजारों के लिए गवाह के कारण बनने वाले हैं। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, यस पवित्र आत्मा से बातें कर, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, बातें करो मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मैं
तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आओ, मैं तेरे दिल को भाओ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, भरपूर कर रहा है बेटा, तेरी आदतों मेरा परमेश्वर तुम्हें भर रहा है आज की रात, मैं तुझको मेरा परमेश्वर तुम्हें भरपूर कर रहा है, मैं तेरे मेरा परमेश्वर का आग तुम्हें छू रहा है, ऐसा छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है, ऐसा मुझे छू रहा है बेटा, छू रहा है, खुदावन की आत्मा तुम्हें तुझको पसंद है, छू रहा है, छू रहा है, मेरे दिल को टच टच टच, ऐसा मुझको टच टच परमेश्वर अपने आप को आपके अंदर प्रकट करना चाहता है, आपको प्रकट करना चाहता है, आपको भरना चाहता है, भर जाओ आत्मा में, सामर्थ्य आत्मा में, भरो खुदा की आत्मा में, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच फादर इन द माइटी नेम ऑफ, टच 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 फादर, आत्मा के हाथ में टच करो बेटा, टच करो, 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 खुदावन की आग, खुदावन की आग आपको छुए, 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 टच, टच, टच विद द पावर, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, परमेश्वर की आत्मा में भरपूर करे, इसे मसीह के नाम में भरे, परमेश्वर की आत्मा में तुम्हें भर जाओ, टच, 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 फायर, 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 फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, खुदावन की आत्मा तुम्हें भरे और टच करे, छुए, और परमेश्वर आज की रात तुम्हें बनाए, खुद सा बना, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बनाए, मुझे मेरा परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा आज की रात आपको बनाए, अपने आप को खाली कर दो और बोलो कि परमेश्वर तू भर, तू जैसा चाहता मुझे बना पवित्र आत्मा, बोलो बोलो बोलो, बोलो जैसा चाहता है पवित्र आत्मा वैसा मुझे बना आज की रात, जैसा चाहता है पवित्र आत्मा मुझे बना दे, जैसा चाहता है पवित्र आत्मा मुझे बना, हर ख्वाहिश मैं अपनी आदत बना, ऐसा मुझको बना, अपने आप को समर्पित करो बेटा, समर्पित करो, समर्पित करो यीशु मसीह को, समर्पित करो खुदावंत की आत्मा को, समर्पित करो खुदावंत की लू को, खुदावंत की लू, खुदावंत की लू, तुम्हें छुए, छुए, तुम्हें छुए, तुम्हें छुए, परमेश्वर की आग तुम्हें छुए, 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 तुम्हें खुदा बच्चे रोज तुम्हें छुए और बनाए, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, बोलो पवित्र आत्मा को बातें करो, मेरे अंदर बोलो परमेश्वर मुझे जैसा भी
बनाना चाहता है आज की रात मुझे बना, मुझे जैसा बनाना चाहता है परमेश्वर, आप जो चाहते हैं वैसा बनाए परमेश्वर, मैं तेरे जो मैं चाहता हूँ वो नहीं परमेश्वर, परंतु जो आप चाहते हैं मुझे बना प्रभु, मुझे आप बनाइए, मुझे आप बनाइए पवित्र आत्मा यीशु, आप जैसा चाहते हैं वैसा मुझे बनाइए यीशु, आप जो चाहते हैं वो मुझे बनाइए, लाइफ में वो चीज देखोगे बेटा हालेलुया जो अब तक आप नहीं थे, बट इतना कि प्रभु को काम करने दो, प्रभु को भरने दो, प्रभु को बोलो अपने शब्दों से, प्रभु को बोलो अपने शब्दों से, प्रभु मैंने बहुत कुछ चाहा लेकिन प्रभु नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आज की रात मैं चाहता हूँ कि जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बनाओ, जैसा तू चाहता है पापा, जैसा तू चाहता है यीशु को बोलो, यीशु को बोलो, वो मुंह का फल का सृजनहार है, वो तुम्हें देगा अपनी आत्मा से भरेगा, वो तुम्हें भरेगा अपनी आत्मा में, भरेगा 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 भरेगा, भर जाओ, भर जाओ परमेश्वर के आग में, भर जाओ, भर जाओ खुदा के अनॉइंटिंग से, खुदा के मस्तक से अपने स्वरूप और सबने अपने समानता में जैसे मिट्टी से बनाया वैसा आज की रात से वो बनाना चाहता है, ऐसा आज की रात से आप बनते देखोगे, बोलो खुदा मेरी जिंदगी में काम कर, मेरी लाइफ में काम कर प्रभु, मैं जो हूं वो नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती प्रभु, मैं सेम वापस नहीं जाना चाहता, आज से मैं प्रभु सब कुछ 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 देखू, मैं बदलते हुए इस मसीह के नाम में, कैमरा हमारे इधर सब कुछ देखो, सब कुछ सामने झुक कर करो, सामने 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 सामने, बोलो परमेश्वर जो चाहते हैं वो मुझे बना आज की रात, बोलो परमेश्वर जो मैं हूं वो नहीं, मैं जो हूं वो नहीं प्रभु, लेकिन जो आप चाहते हैं वो बनना चाहती हूँ, वो बनना चाहता हूं मैं, जो आप बनाना चाहते हैं परमेश्वर वो मुझे बना दे आज की रात, जिस चीज के लिए प्रभु तुमने धरती पर खड़ा किया मुझे, वो चीज मैं पूरा कर सकूं इस समय के नाम में, वो मैं पूरा कर सकूं इस समय के नाम में, आपको बना रहा बेटा, आपको बना रहा है, 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 आप हर एक भजन परमेश्वर की आत्मा में बनने के लिए जा रहे, बन रहे हो, बन रहे बेटा परमेश्वर की आत्मा में, आप बन रहे हो, अपन रे परमेश्वर की आग में आत्मा में भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ परमेश्वर की आत्मा में, भर जाओ और परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ खुदा के रूह को बचाने के धरती पर, ऐसा मुझको भरो
भरो बेटा परमेश्वर के रूप से, उसने कहा कि आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा तेरे मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। माता के गर्भ से चुन लिया है और उत्पन्न होने से मैंने तुझ पर चित लगाया है। उसने कहा तू जातियों का भविष्यवक्ता ठहरेगा, उसने कहा तू जातियों के भविष्यवक्ता ठहरेगा। यिर्मयाह बोलता है कि प्रभु मैं तो लड़का ही हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता। गॉड ने कहा मत कह कि मैं लड़का हूं, मैं जिस किसी के पास तुझे भेजूंगा वह तू कहेगा, जहां कहीं भेजूंगा वहां तू जाएगा, तू अंधों की आंख खोलेगा, अंधों की आंख खोलेगा। आज के बाद आप अंधों की आंख खोलने वाले लोग होंगे, अंधों की आंख खोलेंगे आपके द्वारा, अंधों की आंख खोलेंगे इस मसीह के नाम में, खोलने वाले लोग होंगे, खोलने वाला एनॉइंटिंग मैं आपके ऊपर रिलीज करता हूं, अंधों की आंख को खुले ऐसे एनॉइंटिंग आपके ऊपर रिलीज करता हूं, खुले 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 ऐसे एनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर में काम करे, ऐसी मजा तुम्हारे पर काम करे। और मेरे खुदा ने कहा हजार दस हजार होंगे, सबसे दुर्बल एक सामर्थ्य जाति बन जाएगी, मैं ठीक समय पर करूंगा। उसके बाद जब खड़े रहोगे परमेश्वर ठीक समय पर करेगा, परमेश्वर ठीक समय पर करेगा बेटा। जब आप एनॉइंटिंग के साथ चलोगे, जब परमेश्वर के मसा में भरे रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा राज बचाएगा, तुम्हारे द्वारा हजारों लोगों को बचाएगा, तुम्हारे द्वारा लाखों तक संदेश पहुंचाएगा, तुम्हारे द्वारा नासमान लोग बचेंगे, तुम्हारे द्वारा लोग पाप से मन फिराएंगे, तुम्हारे द्वारा लोग जीवन देंगे। वो एनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर मांगता हूं आज की रात, वो एनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर मांगता हूं आज की रात, वो मस्सा मैं तुम्हारे ऊपर मांगता हूं, मैं वो आशीष तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूं। रिसीव करो और हील हो जाओ यीशु के नाम में, रिसीव करो और ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो और ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो और ब्लेस हो जाओ, रिसीव 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 करो। टच टच फादर, टच विद द पावर, The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. खुदा तेरे लोग तेरे नाम की महिमा के लिए खड़े होने पर तेरी मसा ठहरा रहे प्रभु, तेरे आग ठहरा रहे। बाइबल बताती है कि जकई मसा से बना रहा, जकई अपने लाइफ में मसा को अपने लाइफ में लेके चला और मसा से उसने बाहर नहीं आया। जो आपने उद्धार पाया उस उद्धार में बने रहना है, जो मसा पाए हो तुम उस मसा में बने रहना है।
मेरे खुदा तुम्हारे द्वारा बड़े काम करेगा। प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हारे लिए, प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हारे लिए, प्रोफेटिक वर्ड है तुम्हारे लिए, प्रोफेटिक वर्ड है, प्रोफेटिक वर्ड है। परमेश्वर की आत्मा में मैं तुम्हें बोलता हूं, हालेलुया, पिता धन्यवाद देते हैं। जो लोग बीमार दशा में आए वो इस उपस्थिति में चंगाई हो जाएं प्रभु। प्रभु आज तेरे दान और वरदान भरपूर काम करे परमेश्वर, फिर लोगों के ऊपर में परमेश्वर तेरी आग ठहर जाने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे लोगों के ऊपर में अपने आशीष भरे मसा को डेलने के लिए, और ये मसा प्रभु आपके बच्चों के ऊपर में बढ़कर काम करने पाए जाए। जो लोग प्रभु दुख बीमारी को लेकर आए प्रभु आज तेरी उपस्थिति की भरपूरी के द्वारा आजाद होने पाए, तेरी उपस्थितियाँ उनको आजाद करे परमेश्वर, आजाद करे। आज फ्री करता हूँ मैं, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ, फ्री करता हूँ। जो लोग बीमार में प्रॉब्लम में दुष्टात्मा है वो फ्री हो जाए इस मसीह के नाम में, फ्री हो जाए वो बहने, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री और 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 आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, आजाद हो जाए, फ्री और आजाद हो जाए इस मसीह के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ऐसा करने के लिए जा रहा है इस मसीह।